बच्चों आपको इस क्वेश्चन में 400 नियॉन लैंप है बेटा, उनका लाइफ टाइम जीवन काल दिया है और लैंपों की संख्या दे रखी है। आपसे मीडियन या मध्य का निकालने को कहा है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एफ होता है, आवृत्ति होता है। हमें सी एफ निकालना होगा, संचयी आवृत्ति निकालनी होगी। कैसे निकालते हैं, पहले वाला सेम लिखते हैं, लिख दिया, उसमें क्या करोगे, इस 56 को जोड़ो, कितना आएगा 70। ठीक है, अब ये जो 70 आया बेटा, उसमें 60 जोड़ दो, कितना आया 130। ठीक है, अब 130 में 86 को जोड़ो, कितना आया 216। अगला कैसे निकालोगे, 74 में 216 जोड़ दो, कितना आया 290। ठीक है, अब अगला कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे कितना आएगा 352। अगला कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 400। ठीक है, आपको एन पता चल गया। हमें क्या चाहिए बेटा, एन बाय टू चाहिए, एन कितना है 400 और अपॉन टू कितना हुआ बेटा 200। अब क्या करते हैं, इस एन बाय टू को सी एफ में ढूंढते हैं, छोटे नंबर में नहीं मिलता है, बड़े में मिल जाता है। 200 को देखो बेटा, 14, 70, 130, ये तीनों छोटे नंबर है, एन बाय टू नहीं मिलेगा। किस में मिलेगा बेटा, बड़े नंबर इसमें मिल गया। ठीक है, अब इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी एफ कहलाती है, इसके ऊपर संचयी आवृत्ति सी एफ कहलाती है, मतलब सी एफ की वैल्यू क्या रखोगे 130। अब हमें क्या मिल गई बेटा, हमें यहां से पता चल गया मीडियन क्लास एल कितना है 3000 है, लोएस्ट लिमिट कितनी है 3000। अब सब वैल्यू रखेंगे, एल कितना है 3000 है, एफ कितना है 86 है, और बेटा सी एफ कितना है, सी एफ है आपका 130। अब वैल्यू डालते हैं, एल की जगह बेटा 3000 प्लस एन बाय टू बेटा 200 माइनस सी एफ कितना है 130, और एफ कितना है, एफ है 86, और इनटू एच। एच कैसे निकालोगे, आपको मीडियन क्लास बेटा ये पता है, बाद वाली लिमिट में से पहले वाली लिमिट को घटा दो, 3500 में से 3000 को घटा दो, तो कितना आएगा 500 आएगा बेटा। तो एच कितना है 500, ये 3000 प्लस इनको घटाओगे और ये इनटू 500 अपॉन 86। ठीक है, ये आपका 3000, आप इसे कैलकुलेट करोगे ये आएगा 406.98, इन दोनों को जोड़ो 3406.98। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में मीन मॉड और मीडियन तीनों ही निकालना है। सबसे पहले हम मीडियन निकाल लेंगे बेटा। मीडियन निकालने के लिए आपको सी एफ चाहिए होता है, संचयी आवृत्ति चाहिए होती है। तो बेटा सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे, कैसे, पहले वाला सेम नंबर 6 सेम रखा, उसमें 30 को जोड़िए, अगली फ्रिक्वेंसी आई आपकी 36। ठीक है, फिर इस 36 में इस 40 को जोड़िए, कितने हुए बेटा 76। अब अगली कैसे निकालोगे, 76 में 16 जोड़ोगे 92,
अब अगली कैसे निकालोगे? 92 में 4 जोड़ो 96, ठीक है। अगली कैसे निकालोगे? 96 में 4 जोड़ा 100, ठीक है। और बेटा ये आपका क्या होता है? n होता है, इनको जोड़ोगे तब भी n ही आएगा। n कितना आया? n आपको मिला बेटा 100। हमें क्या चाहिए? n बाय 2 चाहिए, मतलब 100 अपॉन 2 चाहिए। 2 के टेबल से कैंसल, कितना आया? 50, ठीक है। अब ये जो n बाय 2 आता है बेटा, इसे आपको CF में ढूंढना होता है, ठीक है। बड़े नंबर में तो मिल सकता है, छोटे में नहीं मिलता, ठीक है। हमें 50 को इसमें ढूंढना है, 6 छोटा नंबर है, 36 भी छोटा नंबर है, 76 बड़ा है। बड़े नंबर में मिल सकता है, छोटे में नहीं मिलता। इन दोनों में नहीं मिला, हमें 50 किस में मिलेगा? 76 वाले में। मतलब आपको ये जो इंटरवल मिला इसकी सीध में, इसे कहते हैं बेटा मीडियन क्लास, ठीक है। इसकी सबसे पहली लिमिट क्या कहलाती है? L। लिख लेते हैं, L कितना है? 7, ठीक है। और बेटा यहाँ यहाँ मिला ना आपको, तो इसके सामने की फ्रिक्वेंसी F कहलाती है, इसके ऊपर वाला हमें CF की जगह लेना है, ठीक है। तो CF कितना हुआ? 36। बेटा F कितना हुआ? F है 40। अब हमें H और पता करना है, तो बेटा 10 में से 7 घटाओ 3, ये H मिल गया। अब हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, L की जगह 7, N by 2 आपने निकाला 50, माइनस CF निकाला बेटा 36, F कितना है? 40, और बेटा H कितना है? H है आपका 3। ये 7 प्लस 50 में से आप 36 घटाओगे, 14 आएगा, अपॉन 40 इंटू 3, ठीक है। इसे 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आया बेटा? 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हुआ? 21, और अपॉन 20। 7 प्लस, इसे पॉइंट में निकालोगे, 1.05, दोनों को जोड़िए, 8.05 मीडियन या मध्यिका है। अब बच्चों हम बहुलक या मॉड निकालना सीखेंगे, तो बेटा आपको ये जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपको पता करना है। तो बेटा इन सब में सबसे बड़ी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 40 है, तो बेटा इसे F1 कहा जाता है। इसके पहले वाली फ्रिक्वेंसी को F0 कहा जाता है, और बेटा इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी को F2 कहा जाता है, ठीक है। अब बारी L की, तो बेटा आपको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ये मिली, इसके सामने का ये जो इंटरवल है बेटा, ये मॉड क्लास कहलाती है। इसकी लोएस्ट लिमिट 7 है, उसे हम L कहते हैं। तो अब हम सब लिख लेते हैं, L आपका 7 है, F1 बेटा 40 है, F0 30 है, और F2 बेटा 16 है, लिख लिया। अब H देखो, 10 में से 7 घटाओ, 10 में से 7 घटाए 3, सभी वैल्यू मिल गई। अब वैल्यू हम फॉर्मूले में डालते हैं, L की जगह 7, बेटा F1 की जगह 40, माइनस F0 की जगह 30, अपॉन 2 इंटू F1 की जगह 40, माइनस
F0 30 माइनस F2 कितना है 16 और इंटू H कितना है बेटा 3। ये 7 प्लस 40 में से 30 घटाए 10 और इंटू क्या बेटा 3। नीचे ये 80 और ये क्या हुआ माइनस माइनस प्लस होता है दोनों जुड़ गए 46। बड़े नंबर का साइन आता है माइनस लगा दिया। ये 7 प्लस 10 इंटू 3 बेटा इन दोनों को घटाओगे कितना आएगा ये आएगा 34। ठीक है अब बेटा क्या बचा 7 प्लस 30 अपॉन 34। ये 7 प्लस आप इसे पॉइंट में निकालोगे 0.88 जोड़िए 7.88 आपका मॉड या बहुलक है। अब हम बच्चों मीन या माध्य निकालेंगे डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि से। बेटा उसके लिए हमें एक्स आई निकालना होता है मिड वैल्यू निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं आप इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 5। 5 को 2 से डिवाइड करो कितना आया 2.5। इन दोनों को जोड़ो 4 और 7 जोड़ोगे 11 और बेटा उसको 2 से करिए डिवाइड कितना आएगा 5.5। इसी तरह से 7 और 10 को जोड़ो 17 आया और उसे 2 से करिए डिवाइड कितना आया 8.5। 10 और 13 को जोड़ो कितना आया 23। उसे 2 से कीजिए डिवाइड कितना आएगा 11.5। 13 और 16 को जोड़िए कितना आया बेटा 29। उसे 2 से कीजिए डिवाइड कितना आएगा 14.5। 16 और 19 को जोड़िए कितना आएगा बेटा ये आएगा 35। उसे 2 से कीजिए डिवाइड तो कितना आया 17.5। अब फॉर्मूले के लिए बेटा हमें इसकी वैल्यू चाहिए इन्हें जोड़ लेते हैं कितना होगा 100। अब क्या करेंगे फॉर्मूला कहता है एफ आई इंटू एक्स आई कीजिए है ना। तो इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 6 में 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आया। ठीक है 30 में 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे 165 आया। ठीक अब बेटा 40 में 8.5 से मल्टीप्लाई करोगे 340 आया। 16 का 11.5 में मल्टीप्लाई करोगे 184 आया। 4 का 14.5 में मल्टीप्लाई करोगे 58 आया और बेटा 4 का 17.5 में मल्टीप्लाई करोगे 70 आया। अब बेटा आप देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो बेटा इन सबको हमें क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो जोड़ देते हैं कितना आएगा 832। सबको जोड़ दिया। अब फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं इसकी वैल्यू है 832 और बेटा इसकी वैल्यू कितनी है 100। पॉइंट में निकालेंगे 8.32 मीन या माध्य है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में 30 विद्यार्थियों का भार या वेट दे रखा है आपसे मध्यिका पूछी है मीडियन निकालना है बेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है ये उनका वेट या भार है। नंबर ऑफ स्टूडेंट को कहेंगे फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति। बेटा मीडियन निकालना है तो आपको सीएफ निकालना होगा संचय आवृत्ति निकालनी होगी। कैसे निकालोगे पहले वाला सेम
उसमें आप अगला जोड़ दो, तो दो में तीन जोड़ा पांच, ठीक है। अब अगला कैसे निकालोगे, पांच में आठ जोड़ो 13। अब अगला कैसे निकालोगे, 13 में छह जोड़ो 19। अब आगे का कैसे निकलेगा, 19 में छह जोड़ो 25, ठीक है। अब 25 में तीन जोड़ो 28, और बेटा 28 में दो जोड़ा 30। हमें एन मिल गया 30। अब हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, एन बाय टू चाहिए, मतलब 30/2 कितना आएगा, ये आएगा 15, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सीएफ में बेटा एन बाय टू को ढूंढना होता है, तो बेटा सीएफ में हमें क्या ढूंढना है, 15 को ढूंढना है। छोटे नंबर में नहीं मिलता है, बड़े नंबर में मिल जाता है। 2, 5, 13 छोटे नंबर है 15 से, तो किस में मिला बेटा, हमें 19 में मिला, ठीक है। जिसमें मिला उसके ऊपर वाली सीएफ हमको लेना है, उसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी एफ लेना है, और बेटा ये मीडियन क्लास कहलाएगी, और इस मीडियन क्लास में लोएस्ट जो लिमिट है वो एल है, वो कितनी है, 55। अब हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं, एल की जगह 55, सी एफ है बेटा 13, एफ है बेटा 6, और बेटा और कुछ है नहीं है। अब देखो एच भी चाहिए, कैसे निकालोगे, ये मीडियन क्लास है उससे निकालो, 60 में से 55 घटाओगे 5 आया, ठीक है। अब वैल्यू डालो, एल की जगह बेटा 55 प्लस एन बाय टू कितना है 15, माइनस सी एफ कितना है 13, और अपॉन एफ, एफ कितना है बेटा 6, और इनटू एच, एच है 5, ये 55 प्लस घटाओगे 2 × 5/6, 55 प्लस ये हो गया 10/6, ये कितना आएगा, आप लिख सकते हो जोड़ के इन्हें, कितना आएगा।